भैया शिवराज सिंह चौहान के लिए शुभकामना हमारे हमारे प्यारे भैया शिवराज सिंह चौहान के लिए रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना हमारे प्यारे भैया शिवराज सिंह चौहान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं 1000 रुपये महीने से घर के खर्चा भी चलाते हैं कुछ बचत भी करते हैं बच्चों के लिए भी रखते हैं शिवराज सिंह भाई साहब के लिए या मामा हो या भाई हो उनके लिए हम एक राखी खरीदना चाहते हैं उस पैसे से भाई ये हमारे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब को कोटि कोटि नमस्कार खर्चा कर रहे हैं शिवराज चौहान भेज रहे हैं बहुत सहारा है उनको शिवराज सिंह चौहान भैया का मेरा भैया की राखी लाऊंगी मैं शिवराज सिंह चौहान भैया मोदी सरकार को हमारे बहुत बहुत धन्यवाद हमको बहुत खुशी हुआ उनके ये काम करने से मामा जी को भी हमारे बहुत बहुत प्रणाम पहुंचे भाई उनको जब हमारे भाई दे रहा है तो हमको चूड़ी कंगन पहनना है साड़ी लेना है और हमारे भाई के लिए राखी लेना है और बीजेपी को ही वोट देंगे देते ही आ रहे हैं शिवराज मामा है उनको ही वोट देंगे मतलब एक दो ठंडी अच्छी साड़ी पहले नंबर खरीदी देखो जी। राखी खरीद लाई मौजूद है इस समय हरदा जिले के मोहनपुर ग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं लाडली बहनाएं जिनसे आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रदेश के मुखिया जो कि लाडली बहना योजना चला रहे हैं और क्या बदलाव है लाडली बहना योजना से इन बहनाओं के जीवन में इसको लेकर आज हम मोहनपुर में मौजूद हैं हमारे साथ लाडली बहना मौजूद हैं देखते हैं क्या कहती हैं लाडली बहनाएं अपने लाडले सीएम भैया के लिए हम इनसे बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं लाडली बहना हम इनसे बात करते हैं ये आपका नाम मेरा नाम है ममता ध्रुवे मोहनपुर से आपको लाडली बहना का पैसा आ रहा है जी आ रहा है 1000 रुपये महीने से अच्छा आप उनका क्या उपयोग कर रहे हैं घर के खर्चा भी चलाते हैं कुछ बचत भी करते हैं बच्चों के लिए भी रखते हैं अच्छा मतलब आप पैसा बचा भी रहे हैं बचा भी लेते हैं थोड़े बहुत बचा लेते हैं अभी आपको 250 रुपये आ गया 250 भी आ गया तो अब हम उसके लिए हमारे जो रक्षाबंधन आ रहे हैं तो चूड़ी चप्पल जो भी है और क्या शिवराज सिंह भाई साहब के लिए या मामा हो या भाई हो उनके लिए हम एक राखी खरीदना चाहते हैं उस पैसे आप मामा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आपके लाडले भैया के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ और भी एक बहना है जी आपका नाम सविता भाई लाडली बहना का पैसा आ रहा है जी क्या कहना चाहेंगे आप इस योजना को लेकर योजना के लेकर कि भाई शिवराज सिंह चौहान भाई है हमारे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने भैया के लिए कोई मैसेज भैया के लिए यही कोई 250-250 रुपये छोड़ रहा है तो उनके लिए राखी खरीदना चाहिए भैया के लिए राखी खरीदेंगे आपको जो पैसा मिल रहा है आप उसका किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं बहुत मदद होती है जैसे कि अपनी मदद गैस भर जाती है अपने घर की खर्चा हो जाती है अच्छा और किस तरह से उपयोग कर रहे हैं आप उपयोग यही है कि अपना गैस भरा जाती है और जैसे अपना पहले थोड़ी दिक्कत आ जाती है अब थोड़ा उनकी मदद से बहुत बढ़िया जाती है अपना वाली जो है वो समस्या हल हो जाती है हल हो जाती है मतलब आपको इस योजना से फायदा मिल रहा है जी सर तो लाडली बहना का पैसा आ रहा है आप क्या इस योजना को लेकर कहना चाहेंगे बहुत खुश हैं आप वो पैसे का क्या उपयोग कर रहे हैं गैस टंकी नहीं भरवा पाते अच्छा और क्या क्या लाभ है बहुत लाभ अभी रक्षाबंधन का समय है तो आप उस पैसे का कैसा उपयोग करेंगे उस रखा ये रखा साड़ी चूड़ी चप्पल अच्छा जो भी आ जाएगा वो सब लेंगे आप अपने सीएम साहब को मामा जी को क्या संदेश देना चाहेंगे धन्यवाद कहना चाहेंगे जी आपका नाम मतलब जो प्रदेश के मुखिया सीएम साहब ने जो योजना चलाई वो उस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद 1000 रुपये दे रहे हैं तो बहुत काम में आ रहा है आप उस 1000 रुपये का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं उपयोग यही है कि गैस भरवा लेते हैं और किराना भर लेते हैं और ये महीना चूड़ी चप्पल और साड़ी खरीदेंगे अच्छा आप अपने लाडले भैया को क्या संदेश देना चाहेंगे सीएम साहब को कोटि कोटि नमस्कार नमस्कार करना चाहेंगे धन्यवाद
आपका नाम? ससुराई है, मोहनपुर की निवासी हूँ। क्या आपको लाडली बहना का पैसा आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, आप उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं? घर में खर्चा कर रहे हैं, सिरा से चौहान भेज रहे हैं, तो बहुत सहारा है हमको सिरा से चौहान भैया का। हमें 250 रुपये मिलेंगे आज, तो मेरा भैया की राखी लाऊंगी मैं सिरा से चौहान भैया की। भैया के लिए राखी लाएंगे आप? हाँ, राखी लाऊंगी, बांधेंगे। और क्या फायदे हैं आपको? बहुत सा फायदा है, घर मकान नल लगवा दिए, कुछ कर दिए, घर बैठे पानी मिल रहा है, घर अच्छा करे। जी, आपको लाडली बहना का पैसा आ रहा है? जी सर, आ रहा है। आप उस पैसे का क्या उपयोग कर रहे हैं? बहुत उपयोग कर रहे हैं सर, और हमको बहुत खुशी है। और हमारे क्या मोदी सरकार को हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। हमको बहुत खुशी हुआ उनके ये काम करने से। मामा जी को भी हमारे बहुत बहुत प्रणाम पहुँचे भाई, उनको हमको बहुत मदद किया, हमारे बच्चे लोग के लिए भी बहुत मदद किया हमारे। पहले आपको किस प्रकार की दिक्कतें होती थी? बहुत दिक्कत है सर हमारे, बहुत ज्यादा। अब ये पैसा मिल रहा है, इससे बहुत समस्या हल हो गए सर हमारे, समस्या हल हो गई। आप उस पैसे का क्या उपयोग कर रहे हैं? करेंगे ना सर, आप हमारे चूड़ी कंगन, जब हमारे भाई दे रहा है तो हमको चूड़ी कंगन पहनना है, साड़ी लेना है, और हमारे भाई के लिए राखी लेना है। आपने सीएम साहब के लिए राखी ले ली? राखी ले ली सर, और डीबी लिए तो ले लेंगे, लेकिन हमको ये है कि हम कैसे पूछा राखी हमको। अच्छा। ये है, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे उनको? सर हम तो यही कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद उनको कहेंगे, और हमारे दुआ से और भी उनको पद मिले। और हम जहाँ पर भी जाते हैं तो हम यही बोलते हैं कि हमारे भाई अपने लिए इतने इतने कुछ कर रहे हैं, तो वोट किसको देना है और किसकी नहीं, किसको नहीं, ऐसा करके भी हम जंगल में बात करके आए। तो कोई कोई आदिवासी बोलते खा लेंगे पी लेंगे और बदल जाएंगे, तो मैंने कहा ऐसे मत करना, जिसके खा रहे उसके गाओ, ये तो आपको बहुत पाप मिलेगा। अभी जंगल में जाके भाई लोग को, आदिवासी भाई लोग को समझे विचार किया हमने वहाँ पे जाके, मैंने कहा इतने अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसके बाद खा पी के बदल जाओ तो ये ठीक बात नहीं है, ऐसे करके मैंने वहाँ पे किया कहा वहाँ पे जाके। तो हमको तो बहुत खुशी है सर, और हमारे युवा से और दूसरे बार भी आए, और हमेशा के लिए से हमारे सरकार चलते रहे, बीजेपी सरकार हमेशा के लिए वही रहे, हमेशा के लिए हमको वही सीएम साहब चाहिए जो हमारी रक्षा करते हैं, वही है, उनको हम धन्यवाद करते हैं बार बार। और बीजेपी को ही वोट देंगे, देते ही आ रहे हैं, जब तक मोदी है तो हम उन्हीं को वोट देंगे, शिवराज मामा है उनको ही वोट देंगे। हम बात कर रहे थे यहाँ पर लाडली बहनाओं से, और कई लाडली बहनाओं ने तो मध्य प्रदेश के मुखिया के लिए राखी भी खरीद ली है। उनका कहना है कि लाडली बहना योजना ने उनके जीवन में उजियारा कर दिया है, कई समस्याएं ऐसी थी जिनसे वे परेशान थी, परंतु अब जो सीएम शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उससे सभी लाडली बहनों के जीवन में खुशहाली आ गई है, और वे इस बार रक्षाबंधन बड़े ही धूमधाम से मनाने वाली हैं। हरदा से बीके न्यूज के लिए अखिलेश मालवी की रिपोर्ट। आपको अभी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो आपके भैया है चाहते भैया उनके द्वारा आपको पैसे डाले गए हैं रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप, तो आप कितने खुश हैं आपने उन पैसों का? क्या राखी ले ली, मिठाई लेंगे, और है तो रक्षाबंधन के लिए भैया के लिए कपड़े लेंगे, बहुत खुश हैं। अब क्या खुश हैं? आप अपने भैया के लिए क्या कहना चाहेंगी? और क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं कहना, सब अच्छा है, भैया हमारे सब दिन अच्छी लंबी उम्र हो। तो क्या फिर से आप अपने भैया को ही चुनाव में, अभी चुनाव भी आ रहा है कुछ दिनों बाद, अब वोटिंग भी होगी, तो क्या फिर से आप अपने भैया को ही चुनाव में लाएंगी? देंगे वोट, कमल खेल सब दिन खेलो रहा है भैया। वो जो अभी 250 रुपए जो अकाउंट में आए हैं उन पैसों का आपने क्या उपयोग किया? जो 1000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी आप लाडली बहनाओं को देते हैं, आपको मामा जी बोलते हैं कि ये मेरी लाडली बहनाएं हैं, तो उन पैसों का आप क्या करती हैं, और आप किन खर्च पे उनको उपयोग करती हैं? खर्च मैं करा था कि कम से कम मतलब एक दो अच्छी साड़ी पहले नंबर खरीदी, देखो जी जी। और क्या किया है आपने? राखी खरीद लई,
तो आपको जो आज है एक आध हजार की, आपको जो ये पैसा दिया जाता है माननीय आपके भैया द्वारा, तो आप उससे खुश हैं या असंतुष्ट हैं? बहुत खुश हैं, ऐसे तो हंसी याद है। ठीक है, तो देखा है आपने कि अभी बाकायदे कितनी मुस्कान और कितनी चेहरे पर एक खुशियां झलक रही हैं बहनाओं के, कि उनके खातों में अभी 250 रुपए और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डाले गए हैं और 1000 रुपए पहले से इन लाडली बहनाओं को दिए जा रहे हैं। मैं, मेरे साथ और भी लाडली बहनाएं हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आखिर वो जो ये पैसा आ रहा है उनके खाते में, वह उसको लेकर के कितनी खुश हैं और किस चीज में उस पैसे का उपयोग करती हैं। आपको भी पैसे मिलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके भैया डालते हैं, तो आप क्या करती हैं उन पैसों को? हम लोग राखियां खरीदते हैं, मिठाइयां खरीदते हैं और कपड़े भी लेते हैं, और जो चीज हमारे पास नहीं रहती सभी चीज हम थोड़े थोड़े करके ले लेते हैं। जो अभी रक्षाबंधन पर उपहार दिया है राखी के तौर पर आपके भैया ने, मुख्यमंत्री जी ने 250 रुपए जो एक्स्ट्रा डाले हैं आपके खाते में, और उनका ये भी कहना कि मैं अपनी लाडली बहनाओं को धीरे धीरे करके और उनके 3000 तक पैसे कर दूंगा, तो इससे आप क्या करेंगी उन पैसों का? और अभी जो रक्षाबंधन पर्व उसमें उपहार दिया, आप क्या कहना चाहेंगे अपने भैया को? अपने बच्चों को पढ़ाई में, हम लोग पढ़ाई में लगाएंगे बच्चों के, और हम लोग बहुत गृहस्थी। अभी जो 250 रुपए डाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनका आपने क्या किया? हम लोग राखियां खरीदी, मिठाई और खरीद लेंगे, और कपड़े अपने बच्चों के लिए ले लेंगे। तो आप इनसे खुश हैं? जी हाँ। ठीक है, आपको भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा पैसे दिए जाते हैं, आप उससे कितनी खुश हैं? बहुत खुश हैं। अभी रक्षाबंधन पर एक उपहार दिया गया उनके द्वारा 250 रुपए, तो आपने उन पैसे का क्या किया? राखी खरीद लिया, भैया भाभी को सामान ले लिया। तो आप खुश हैं इन सब चीजों से? हाँ, खुश हैं। अभी मैं आपके भैया द्वारा ये भी कहा गया है कि मेरी बहनाओं आप चिंता मत करो, अभी कल ही न्यूज में आ रहा था और कल ही उन्होंने एक घोषणा की है, जो गैस सिलेंडर अभी आप लोग जिससे रसोई बनाती हैं, खाना बनाती हैं, उस गैस सिलेंडर को भी आपके लोगों के लिए उन्होंने 1100 से कम करके 450 रुपए का कर दिया है, उसमें आप कितनी खुश हैं? आपको भी पैसा देते हैं भैया, तो आप कितनी खुश हैं उसको लेकर के? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या भैया अच्छा कर रहे हैं या? अच्छा कर रहे हैं भैया। तो इस बार जो उन्होंने पैसा दिया है, वह पैसा आपने कहाँ कहाँ खर्च करती हैं? दो ठो साड़ियाँ ले आए, दो ब्लाउज ले आए, पेटी कोट ले आए। तो आपने देखा कि बहने वास्तव में, यह जो बहने हैं वह भैया को उपहार को लेकर के काफी उत्साहित हैं, और आप इस वक्त ये लाइव प्रसारण बीके न्यूज पर देख रहे हैं। मैं रजनीश नामदो, ग्राउंड जीरो से मैंने आपको यह कवरेज दी है, और मैं और भी इसी प्रकार से कई आपके सामने सामाजिक मुद्दों को लेकर के ऐसी ही खबरें प्रतिदिन उजागर करता रहूंगा। तब तक के लिए जय राम जी की जय, बुंदेलखंड। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।